क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक शख्स को अंधा करके उठाएगा और वो शख्स कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मैं तो देखता बालता था, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों पैदा किया। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि ऐ इंसान, तेरे पास मेरी आयतें पहुंची थी, ऐ इंसान तेरे पास मेरा पैगाम पहुंचाने वाला आया था, ऐ इंसान तूने तो उसे झुटला दिया, ऐ इंसान जब तेरे पास मेरी आयतें पहुंची तो तू उससे मुंह मोड़ लेता था, ऐ इंसान तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इंसान चंद ख्वाहिशात करेगा, जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, वो अपने अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, अल्लाह एक दफा तू मुझे दुनिया में वापस भेज दे, अल्लाह मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, अल्लाह मैं जिना से बचूंगा। मगर नहीं, तुम्हें तो अब यहां पे हमेशा रहना है, तुम्हें मौका दिया गया था, तुम्हें पैगाम पहुंचाया गया था, अगर तुमने तो उसे चुटला दिया। ऐ काश के मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता, ऐ काश के मैं फुला शख्स को दोस्त ना बनाता, ऐ काश के मैंने अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, ऐ काश मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, ऐ काश। सिर्फ काश बच जाएगा इंसान के पास, सिर्फ काश। ऐ इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने गाफिल कर दिया है? वही तो है जिसने तुझे बनाया, वही तो है जिसने तेरी सूरत को बनाया, जबकि तू एक बेजान पानी का कतरा था, उसने तुझे जिंदगी दी, उसने तुझे हाथ पांव दिए, फिर तुझे किस चीज ने गाफिल कर दिया?